What You Are by Paul D. Tiger, Barbara Veron and Kelly Tiger. आज के वक्त में न जाने कितने लोग हैं जो सुबह से नफरत करते हैं, क्योंकि सुबह होते ही उन्हें अपने काम पर जाना होता है जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लोग मंडे के नाम से भी नफरत करते हैं और उसके आते ही फिर से संडे का इंतजार करने लगते हैं। क्या ये बातें आपको कुछ जानी पहचानी लग रही हैं? कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं आते? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये किताब आपके लिए लिखी गई है। ये किताब बताती है कि क्यों आप अपने काम से खुश नहीं हैं और किस तरह से अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानकर आप उसके हिसाब से अपने लिए एक बेहतर नौकरी खोज सकते हैं जिसे करने में आपको मजा आएगा। ये किताब आपकी मदद करेगी ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करना किस तरह से मुश्किल हो सकता है, किस तरह से आप अपनी मनपसंद नौकरी खोज सकते हैं। पहला सबक, अपने काम से खुश रहने के लिए आपको वो काम करना होगा जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो। अगर आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे खुश नहीं है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी पर्सनालिटी अलग है तो आपको अलग तरह का काम करना अच्छा लगेगा। अलग अलग पर्सनालिटी का होना कोई नई बात नहीं है बल्कि ये ग्रीस के जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में हमने अच्छे से जानना शुरू किया जब कार्ल जंग नाम के एक साइको एनालिस्ट ने 1921 में इस पर काम किया। इसके बाद 1940 के दशक में कैथरीन ब्रिग्स और उनकी बेटी इसाबेल ब्रिग्स माइट्स ने अलग अलग पर्सनैलिटी होने की थ्योरी पर अच्छे से काम करना शुरू किया और उन्होंने ब्रिग्स माइन टाइप इंडिकेटर बनाया जो 4 स्केल पर 16 अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इससे आपका क्या फायदा होगा, तो हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से दुनिया को देखता है और उसके हिसाब से काम करता है, इसीलिए आपको वो काम अच्छा लगेगा जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता होगा। अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ जाकर अलग तरह का काम करना मतलब अपने उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करना होता है। आप फिर भी लिख तो लेंगे लेकिन आपकी लिखावट खराब होगी और उसमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अकेले में रहना और शांत माहौल में रहकर किताबें पढ़ना पसंद है तो सेल्समैन की नौकरी आपके लिए नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं और लोगों के साथ खुलना मिलना पसंद करते हैं तो आपके लिए साइंटिस्ट का काम अच्छा नहीं रहेगा। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम चुनना आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा सबक, अपनी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए आपको 4 तरह के स्किल के बारे में जानना होगा। पिछले सबक में हमने ब्रिग्स माइट्स टाइप इंडिकेटर के बारे में बात की थी जो कि ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। इसमें 4 स्केल होते हैं जिसके बारे में हम इस सबक में जानेंगे। आपको ये पहचानना होगा कि आप इनमें से कौन है। सबसे पहले आता है कि आप दुनिया के साथ किस तरह से खुलते मिलते हैं। इसमें 2 तरह की पर्सनालिटीज आती हैं, एक्स्ट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्जन हमेशा अपनी बाहर की दुनिया के बारे में सोचता है और खुद के बारे में ज्यादा ना सोचकर दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। लेकिन इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी के लोग अपने दिमाग में रहना या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। एक्स्ट्रोवर्जन पर्सनैलिटी की खास बात होती है कि वे बोलते हुए सोचते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वे किसी बात को समझते वक्त उसे बोलते रहते हैं। स्कूल के कुछ बच्चों से जब सवाल पूछा जाता है तो वो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में उसके नतीजे तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी रखने वाले लोग सबसे पहले जवाब के बारे में अच्छे से सोच लेते हैं और फिर उसे बोलते हैं। वे ज्यादातर चुप रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई पूरी तरह से एक्स्ट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो, लेकिन हम में से हर किसी का झुकाव एक की तरफ ज्यादा होता है। आपका झुकाव किस तरफ है? इसके बाद की जो पर्सनालिटी है वो है सेंसिंग या इंट्यूशन। ये दिखाती है कि किस तरह से एक व्यक्ति नई जानकारी को लेता है। एक सेंसर हमेशा किसी जानकारी को देखकर, सुनकर, महसूस करके लेता है और सिर्फ उन बातों को मानता है जिन्हें नापा जा सकता है। इस तरह के लोग इस बारे में सोचते हैं कि इस समय क्या हो रहा है और वे याद करने में माहिर होते हैं। दूसरी तरफ आते हैं वे लोग जो भविष्य में रहते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। उन्हें इससे कम फर्क पड़ता है कि इस समय क्या हो रहा है। वे कल्पना करने में माहिर होते हैं और किसी चीज को याद कर लेने की बजाय उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। एक सेंसर हमेशा दिए गए नियमों के हिसाब से काम करता है जबकि एक इंट्यूटिव अपने हिसाब से काम करता है। तीसरा सबक, आपकी पर्सनालिटी में यह आता है कि आप किस तरह से फैसले लेते हैं और किस तरह की जिंदगी चाहते हैं। हमने 2 स्केल की बात की,
जिससे आपको अब तक ये पता लग गया होगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट्स, और सेंसर हैं या इंट्यूटिव। अब हम बचे हुए दो स्केल की बात करेंगे। तीसरा स्केल ये दिखाता है कि आप किस तरह से फैसले लेते हैं। इसमें दो तरह की पर्सनैलिटीज आती हैं, थिंकिंग और फीलिंग। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर कड़े और सही फैसले लेते हैं और अपनी भावनाओं को नियमों के बीच नहीं आने देते, जबकि जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं वे अक्सर अपनी भावनाओं से फैसले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आपके स्कूल का एक बच्चा शरारत करते हुए आपको मिलता है। उस बच्चे ने इससे पहले कभी शरारत नहीं की और वो बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शरारती बच्चों के साथ बैठा दिया गया था, इसीलिए अब वो उनके साथ रहकर शरारत करने लगा था। ऐसे हालात में आप होते तो क्या करते? आप ये कहते कि नियम सबके लिए एक है और उस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए, या फिर आप ये कहते कि उस बच्चे को शरारती बच्चों के साथ बैठाकर टीचर ने गलती की और क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया, उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आप एक थिंकर हैं, और अगर दूसरा चुना तो फीलर। इसके बाद अंत में आता है आपको किस तरह की जिंदगी पसंद है। इसमें भी दो तरह की पर्सनैलिटीज आती है, जजिंग और परसिविंग। जजर्स वो होते हैं जो नियम से चलना पसंद करते हैं, और अगर कोई भी काम अधूरा है तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ पर्सिवर्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल रहना पसंद करते हैं। इस तरह के लोग अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हैं और अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरा तरीका अपनाने में पीछे नहीं हटते। चौथा सबक, चारों स्केल से अपनी पर्सनैलिटी को पहचान कर एक साथ लाइए। हमने देखा कि किस तरह से चार तरह की स्केल पर अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, और आपने अब तक ये भी पता कर लिया होगा कि आप इन चारों स्केल पर कहाँ कहाँ आते हैं। अब अपनी सारी पर्सनालिटी को एक साथ लेकर आइए और उसे एक कोड दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट सेंसर फीलर जजर हैं तो इस हिसाब से आपका कोड हुआ ESFJ, और अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंट्यूटिव थिंकर पर्सीवर हैं तो आपका कोड हुआ IITP। इस तरह से कुल मिलाकर 16 तरह की पर्सनैलिटी हो सकती हैं। अब एक बार आपने अपनी पर्सनैलिटी कोड को पहचान लिया तो आप ये देखना शुरू कीजिए कि आपके लिए किस तरह का काम अच्छा होगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट सेंसर फीलर जजिंग पर्सनैलिटी के हैं तो आपके लिए सेल्समैन का काम सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट इंट्यूटिव फीलर जजिंग पर्सनैलिटी के हैं तो आपके लिए एक लीडर का काम अच्छा होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट इंट्यूटिव थिंकर पर्सीवर पर्सनैलिटी के हैं तो आपके लिए इन्वेंटर का काम सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तब आप अकेले में रहकर अपनी कल्पना के जरिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाकर कुछ नया बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी पर्सनैलिटी किसी दूसरे से बेहतर या खराब नहीं होती। अगर उन सभी को सही जगह पर लगा दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छे नतीजे ला सकते हैं। अगर आप एक लीडर को एक इंजीनियर का काम दे देंगे तो वो नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसे लोगों के साथ काम करना पसंद है, वो एक एक्सट्रोवर्ट है। इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ हद तक इंट्रोवर्ट होना होगा। हर तरह की पर्सनैलिटी की अपनी खूबियां और अपनी खामियां है। समाज के हिसाब से वो लोग जो बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं यानी कि एक्सट्रोवर्ट हैं, वे कुछ ज्यादा अच्छे और काबिल माने जाते हैं, और जो लोग कमरे में बंद होकर सिर्फ अपने आप में रहते हैं उन्हें सब पागल का टाइटल दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति कभी कुछ नया नहीं बना सकता, वो एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता, वो अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे सकता। ठीक इसी तरह से एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति दूसरों से मदद मांगकर अपना काम आसान नहीं कर सकता और ना ही किसी टीम के साथ काम कर सकता है। जिंदगी में किसी भी तरह की पर्सनैलिटी का दर्जा किसी दूसरी तरह की पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं होता। हर किसी की अपनी खूबी और खामी है। पांचवा सबक, हम अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो कोई भी दो लोग पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी हो सकती है। हमने जिन 16 तरह की पर्सनैलिटीज के बारे में जाना, उनमें से अगर कुछ पर्सनैलिटी उनमें मिलती है तो वो एक दूसरे से कुछ हद तक मिलते जुलते होंगे। इस हिसाब से हम एक तरह के लोगों को एक तरह के सेक्शन में रख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन को ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है, जिनके पास सेंसिंग और जजिंग पर्सनैलिटी होती है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, लेकिन अगर उनके पास सेंसिंग और जजिंग पर्सनैलिटी है तो वे ट्रेडिशनलिस्ट कहे जाएंगे। इस तरह के लोग नियम के हिसाब से रहना बहुत पसंद करते हैं, और इसके लिए वो काम सबसे अच्छा होता है जिसमें अच्छे सिस्टम और प्रोसीजर्स हों। इस तरह के लोगों को किसी भी तरह का काम दे दिया जाए वो उसे अच्छे से कर पाने में माहिर होते हैं। अगर उन्हें सारे नियम कानून अच्छे से समझा दिए जाए तो इस तरह के लोग लंबा नहीं सोचते और ज्यादा सरकारी काम करते हुए नजर आते हैं।
जैसे कि पुलिस ऑफिसर। इसके बाद आते हैं वो लोग जिनमें सेंसिंग और परसिविंग पर्सनैलिटी होती है। इस तरह के लोगों को नियम से चलना और हर रोज वही एक काम करना पसंद नहीं होता, बल्कि ये लोग हमेशा कुछ नया करने के लिए उतावले रहते हैं। इस तरह के लोग दुनिया बदलने का ख्वाब देखते हैं और खुद को बदलते हालात के साथ बहुत तेजी से बदल लेते हैं। लेकिन इनमें बुरी बात ये होती है कि कभी कभी ये बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं और कुछ नया करने के चक्कर में खतरों को अनदेखा कर देते हैं। इस तरह के लोग पैटर्न को नहीं पहचानते। इस तरह के लोग भी आपको पुलिस की नौकरी करते हुए मिल सकते हैं, लेकिन वो इस काम को इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें समय समय पर अलग अलग तरह के मुजरिमों के साथ निपटने का मौका मिलता है। इन्हें इस काम में कुछ नया करने का मौका मिलता है और इसीलिए वे इस काम से प्यार करते हैं। छठा सबक। तीसरे और चौथे सेक्शन के लोगों को आइडियलिस्ट और कॉन्सेप्चुअलाइजर कहा जाता है। तीसरे ग्रुप में वे लोग आते हैं जो इंट्यूटिव और फीलर्स होते हैं। इस ग्रुप के लोगों को खुद में सुधार करना, ज्ञान पाना और ईमानदारी से संतुष्टि पाना बहुत पसंद है। इस तरह के लोग इन बातों के बारे में सोचते हैं और उन कामों को करते हैं जो सही हो और जिससे इन्हें आध्यात्मिक शांति मिल सके। इस तरह के लोग दूसरों से अच्छे से काम करवा सकते हैं और बेहतर समाधान खोज सकते हैं, लेकिन साथ में ये मूडी और इमोशनल भी हो सकते हैं। इन लोगों की बुराई की जाए तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये कभी कभी बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने लगते हैं। अगर आप इस तरह के हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव माहौल से दूर रहकर एक ऐसे काम को करना होगा जिसमें लोकतंत्र हो और सभी लोग मिलकर काम करते हों। इस तरह के लोग टीचिंग, कंसल्टिंग और ह्यूमन रिसोर्स के काम में ज्यादा अच्छे रहेंगे। अंत में आते हैं इंट्यूटिव थिंकर्स, जिन्हें कॉन्सेप्चुअलाइजर्स कहा जाता है। इस तरह के लोग हर काम में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग हमेशा खुद को सुधार कर सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वे पैटर्न और ट्रेंड को पहचानने में माहिर होते हैं और उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही में वे कुछ घमंडी, बातों को ना मानने वाले और थोड़े से उलझे हुए भी हो सकते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। वे दूसरों की भावनाओं के बारे में और छोटी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इस तरह के लोग ऊपर के दर्जे पर अच्छे से काम कर पाएंगे। इन्हें वे काम अच्छा लगता है जहां पर वे अपने हिसाब से काम कर सके और जो चुनौतियों से भरा पड़ा हो। यहां पर आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी किसी भी दूसरे से आगे नहीं है और हर किसी की इस दुनिया में अपनी जगह है। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें इस तरह के सभी लोगों की जरूरत पड़ सकती है। सातवां सबक, अपना डोमिनेट फंक्शन पहचान कर आप अपने लिए एक बेहतर काम खोज सकते हैं। हर पर्सनालिटी में एक डोमिनेंट फंक्शन होता है जो उसकी पर्सनालिटी के सबसे मजबूत पहलू को दिखाता है। जब आप इससे संबंधित कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है। बाकी दूसरे सबसे मजबूत पहलू को ऑक्सिलरी फंक्शन कहा जाता है। तीसरे और चौथे फंक्शन आपके लिए उतने मायने नहीं रखेंगे। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका डोमिनेंट फंक्शन कौन सा है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ISTJ, ISFJ, ESTP या ESFP तो आप एक सेंसर हैं जिसे बोरिंग और गहरी जानकारी तक पहुंचना अच्छा लगता है। इस तरह के लोगों को अपने दोस्तों से जलन होती है और वे उस काम को अच्छे से कर पाएंगे जिसमें उन्हें इस तरह की जानकारी को सबके सामने रखने का मौका मिले। इस तरह के लोग रिसर्च के काम में माहिर होते हैं। इसके बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी INFJ, INTJ, ENFP या ENTP है तो आप इंट्यूटिव हैं, जो बहुत दूर तक सोचने की कोशिश करते हैं। आप ऊपरी सतह को हटाकर अंदर तक की जानकारी लेने के बारे में सोचते हैं, जहां तक कोई नहीं सोच पाता। आप कुछ हद तक क्रिएटिव हैं और आपको अपनी कल्पना की ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस तरह के लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट का काम अच्छा होगा। अगर आप ISFP या INFP, ESFJ या ENFJ हैं तो आप एक फिलर हैं और उस काम को करना पसंद करते हैं जिसमें आपकी वैल्यूज दिखती हों। इस तरह के लोगों को सहानुभूति और वफादारी पसंद होती है और वे उस काम को अच्छे से कर पाते हैं जिसमें उन्हें खास तरह के अनुभव मिले। वे एक आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर ग्राहकों के पक्ष में या जरूरतमंद लोगों के पक्ष में बोलने वाले वकील बन सकते हैं। अंत में आते हैं ISTP, INTP, ESTJ और ENTJ जो कि थिंकर्स होते हैं। इस तरह के लोग भावनाओं की चिंता ना करते हुए सख्ती से फैसले लेते हैं और मुश्किल फैसले करने में माहिर होते हैं। इस तरह के लोग अच्छे वकील बन सकते हैं। आठवां सबक, आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू अलग अलग उम्र पर उभर कर सामने आते हैं। हम में से लगभग हर किसी के ऊपर बचपन से ही करियर चुनने का प्रेशर डाला जाता है, लेकिन बचपन में हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई रहती है।
और इसीलिए हम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनी करियर को नहीं चुनते। इस वजह से ज्यादातर लोग अपने लिए गलत करियर चुन लेते हैं और सारी उम्र अपने काम से नाखुश रहते हैं। हमारी खूबियां समय के साथ उभर कर सामने आती हैं और हमें उनके हिसाब से अपने करियर को चुनना चाहिए। जिंदगी के पहले 6 सालों में हमारी पर्सनैलिटी बनना शुरू होती है। इसके बाद 6 से 12 सालों के बीच हमारा डोमिनेंट फंक्शन उभर कर सामने आने लगता है। अगर आप एक फीलर हैं तो आप उस समय में ही अपनी वैल्यूज को पहचान कर उस तरह के काम शुरू कर देने चाहिए। इसके बाद 12 से 25 साल की उम्र के बीच में आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा सबसे ताकतवर पहलू उभर कर सामने आता है, जिसे ऑक्सिलरी फंक्शन कहा जाता है। अगर आप एक फीलर के साथ साथ एक सेंसर भी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जानकारी से प्यार होने लगेगा और आप रिसर्च के काम को खुद करने लगेंगे। इस उम्र तक आपकी पर्सनालिटी के तीसरे चौथे पहलू कुछ ज्यादा उभर कर सामने नहीं आते रहते। इसके बाद 25 से 50 साल की उम्र में आपकी पर्सनालिटी का तीसरा पहलू उभर कर सामने आता है। इस समय आपको अपने करियर को बदलने की चाहत महसूस होगी। अगर आप पिछले 20 साल से एक ही काम कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग तरह का काम करने का मन करेगा, क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी का तीसरा पहलू उभर रहा है। 50 साल की उम्र के बाद आपकी पर्सनालिटी का चौथा पहलू उभर कर सामने आता है। आपकी गुजरती उम्र के साथ ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आज आपको जिस काम से बहुत ज्यादा प्यार है, शायद उसे कल ना हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बदलाव के साथ आपको अपना करियर बदलना हो। कुछ बदलाव से आपके शौक बदल सकते हैं। अब अगर आपके साथ ये कभी होता है तो आपको इसके पीछे की वजह पता होगी। नवा सबक, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग नौकरियों के बारे में पता करें और अपने लिए सबसे अच्छी नौकरी चुनें। आपके लिए सबसे अच्छा काम वो होगा जिसमें आप माहिर हों और जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई आपको घर पर आकर आपको वो नौकरी दे दे। इसीलिए आपको खुद बाहर निकलकर उस काम को खोजना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने 4 अक्षर की पर्सनैलिटी टाइप के बारे में पता करना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के वो 4 पहलू कौन से हैं। इसे जानने के बाद आपको अपनी खूबियों और खामियों के बारे में पता लगेगा और उसके हिसाब से आप ये पता कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। अगर आप ISTJ यानी इंट्रोवर्ट, सेंसर, थिंकर और जजर हैं, तो आपके लिए वो काम ठीक होगा जिसमें बहुत से सिस्टम और नियम हो, जिसमें आपको अकेले काम करना हो और जिसमें आपको एक ही काम को बार बार करना हो। इसीलिए आप एक क्लर्क की नौकरी कर सकते हैं, या फिर एक बैंक में नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरह की नौकरियों के बारे में खोज सकते हैं जिसमें आपके जैसी खूबियां रखने वाले लोगों की जरूरत हो। इस तरह से आप इंटरव्यूअर को ये समझा पाएंगे कि आप उस काम के लिए ठीक क्यों हैं। अब तक आपके पास कुछ नौकरियों की लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि कौन सी नौकरी आपके लिए सबसे अच्छी होगी। उस नौकरी की जरूरतों को समझिए और उन पर काम कीजिए ताकि आप उसे हासिल कर सके। इससे आप इंटरव्यूअर को समझा पाएंगे कि आप क्यों उस काम के लिए अच्छे हैं और किस तरह से आपकी कमजोरियां काम के बीच में नहीं आएंगी। अंत में उन लोगों से बात कीजिए जो कि उस काम को कर रहे हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका काम आपके लिए कितना अच्छा है। क्या वो सिर्फ ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है या फिर अंदर से भी अच्छा है। 10वां सबक, ये जरूरी नहीं है कि आप सारी उम्र सिर्फ एक ही काम करते रहें। आज के वक्त में महंगाई बढ़ रही है और साथ ही लोगों के मरने की उम्र भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी काम करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर आप अपने काम से खुश नहीं है तो करियर बदलने में ना तो कोई बुराई है और ना ही उसके लिए भी देर हुई है। जब आप बूढ़े हो जाने पर अपना करियर बदलते हैं तो इसे एनकोर करियर कहते हैं। इस वक्त लोग अपने डोमिनेंट फंक्शन से वाकिफ होते हैं और अपने करियर को बदलकर एक सही करियर चुनना उनके लिए इस समय सबसे फायदेमंद हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने करियर को कभी ना बदलें। आप किसी भी उम्र में अपना करियर बदलकर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक डोमिनेंट थिंकर हैं लेकिन आप एक इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इसे मजा नहीं आएगा। आपको अपना करियर बदल कर एक वकील बनने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने काम से खुश नहीं हैं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से एक अच्छा काम खोजना चाहिए। कुल मिलाकर अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है और जब एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करता है तो वो खुश रहता है। अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को पहचानिए और फिर उससे संबंधित कुछ नौकरियों की लिस्ट बनाइए। फिर ये चुनिए कि आपके लिए उसमें सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है। क्या करें, अपनी सीखने के ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। अपनी पर्सनालिटी को जानने के बाद अपने मनपसंद काम को पाने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी ताकि आप उसके लिए खुद को तैयार कर सके। इंटरनेट की मदद से आज ये बहुत आसान हो गया है। बहुत सी वेबसाइट हैं जो अलग अलग तरह के कोर्स देती हैं। आप वहां जाकर
ट्रेनिंग ले सकते हैं।